आरोपी तो अभी तो कह रहे हैं कि भाई हम भी दो चार लोगों को और ले जाएंगे जब हमको जीवन भर जेल में, हाँ जब हम लोगों को जीवन भर जेल ही रहना पड़ेगा तो इन सबको बर्बाद करके जेल में रहें। जमीन के टुकड़े के लिए और प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण एक होनहार ताइक्वांडो खिलाड़ी की गला काट कर नृशंस हत्या कर दी जाती है। जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कबीरुद्दीनपुर गांव का मामला है। अभी खिलाड़ी उभर रहा था, कई मेडल भी जीत चुका था, देश का नाम रोशन करना चाहता था, शायद आगे चल कर के ओलंपिक में खेलता, लेकिन उसकी जीवन लीला जो है समाप्त कर दी गई है। घर पर लोग रो रहे हैं, पिलख रहे हैं, माता पिताजी बाहर रहते थे, हत्या के बाद आए और छोटे से जमीन के टुकड़े का जो है मामला था, प्रशासन की घोर लापरवाही थी। जो परिवार के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं, पुलिस आती थी, पैसा लेती थी, मैनेज करता था, उनका जो है परिवार में एक दरोगा था, इसी वजह से सारा जो मामला रसूखदार का था और एक गरीब थे तो इसलिए थाना जो है थाने पर जाते थे, मामला दब जाता था। अच्छा, आप बड़े पिता हैं, आप यहीं रहते हैं घर पे? हाँ। जब कितने दिन से मामला, 40 साल पुराना मामला बताया जा रहा है, 1995 से चल रहा है और सरकारी ज़मीन थी, पहले इन्हीं ने जा कर के मुकदमा किया है। अच्छा, जब इसने घर बनवाया तो उसकी थोड़ी सी ज़मीन तो थी, तो इसने अपना जितनी ज़मीन थी सब घेर लिया, तो हमने पूछा भाई तुम तो अपनी ज़मीन सारी घेर ले रहे हो, कल के आओगे जाओगे कहाँ से? तो पूछा बनवा रहे हैं हम अपने में, जब तुम्हारे में जाएंगे तब हमसे कहना। हम कहे चलो ठीक है। फिर उसी समय हमने अपना बाउंड कर लिया, यानी चार दीवारी डाल दी। अब जब चार दीवारी डाल दी तब ये कोर्ट चला गया, वहाँ से मुकदमा कर दिया। अब मुकदमा में 2 साल बाद स्टे हो गया, स्टे के लिए दरख्वास्त दिया, तो हम भी चाहते थे बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, किसी तरह से स्टे हो जाएगा तो आगे काम नहीं हो पाएगा, तभी से झगड़ा चल रहा है। झगड़ा जो है 1995 से चला आ रहा। हाँ, इनका इनके घर का दरोगा बताया जा रहा है, क्या वो इस मामले को देख रहा था, रसूख हाँ। था उसका थाने पर, जैसे बताया परिवार जाता था थाने पर, क्या कुछ होता था? हमारा परिवार कि उनका? आपका परिवार जब थाने पर? हाँ, हमारा परिवार जाता था तो दरोगा यही कहते थे कि अहिरों को मामला है, बिना खून के नहीं सफरेगा। जिस पुलिस पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, सुरक्षा का व्यवस्था कायम करने की जिम्मेदारी, वही पुलिस गुंडों की भाषा बोल रही है। हाँ, वही पुलिस ऐसा कर रही है तो हम लोगों की सुनता कौन है? योगी सरकार तो बड़ा दम भरती है सुरक्षा व्यवस्था का, बड़ा ढोल पीटती है सुरक्षा व्यवस्था का। यदि योगी सरकार इसी तरह सुरक्षा करती तो आज ऐसा कांड ही ना होता। जय बार थाने पर गए, जय बार SP के यहाँ गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई हुई होती तो उसको भी दबाव लगता, तब उसका मनोबल इतना न बढ़ता, जबकि उसने काफ़ी अवैध हथियार रख रखे थे मारने की नीयत से, और बाद में बरामद भी हुआ, तलवारें बरामद। हाँ, तलवारें बरामद, कनेक्शन भी आ रहा उसका। हाँ हाँ, अब आखिर में ग्रेनाइट वगैरह, बम वगैरह, तलवार और ग्रासी, ये सब कहाँ से ला रहा था? तो आप लोग को पता था आरोपी इस तरीके की चीज इकट्ठा करके रख रहा है, पहले से कुछ आहट थी? आहट तो बिल्कुल नहीं लग पाई कि इसके पास हथियार होगा, नहीं तो हम लोग और सतर्क रहते। और किसी से इसका बोलना न चालना बड़े सिंपल ढंग से रहता था, रात बिरात निकलता था, हम लोग इतना जान नहीं सके। उस दिन जिस दिन घटना हुई, वो एक हमारा लड़का वकील है, वही दोनों जा रहे थे खेत पर, और वो दोनों देख रहे थे, और उसने एक ने गणासी, जिसने मारा उसने हाथ में तलवार लेकर दौड़ा लिए। जो एक आरोपी है रमेश, हाँ हाँ, उसने ही तलवार चलाई। हाँ, तलवार, पिस्टल की फोटो जा रही है CCTV में,
क्या उसने पहले पिस्टल लेके दौड़ाया था? इससे पहले दौड़ाया था। अच्छा, पिस्टल महीने पहले का? हाँ हाँ, कई महीने पहले का वीडियो था, उसमें उसने पिस्टल दिखाई थी, तो वो पिस्टल का वीडियो निकाल लिया था। पिस्टल से पहले भी जान से मारने की कोशिश कर चुका था? हाँ, तो उस पिस्टल को पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए। ऐसा क्यों हुआ? आखिर में जब पिस्टल का वीडियो हम लोगों ने दिखाया तो उसने कहा साहब ये तो एक हंसिया था। फिर पुलिस वाले उस चीज़ को दबा रखे। इसमें पुलिस वालों को चाहिए ना कि पिस्टल को बरामद करते तो पता लगता कि पिस्टल कहाँ से आ रही है, उसके साथ साथ और भी हथियार मिलते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा प्रशासन की घोर लापरवाही। आप कहाँ थे जब ये पूरा मामला? साहब हम तो यहीं घर पर थे, हमारा बड़ा लड़का शिक्षक है, वो भी एक अपने दोस्त से बातचीत कर रहा था। अब ये दोनों हम क्या जाने कि ऐसी वारदात हो जाएगी। जो मरा है एक हमारा जो छोटा लड़का एडवोकेट है, वो दोनों खेत देखने जा रहे थे और किसी को कुछ पता नहीं। नहीं, हम लोग सतर्क होके रहते न। अब हमारा लड़का तो जो एडवोकेट है भाग चला, देखा तलवार और इसको तब तक मार दिए। बताया जा रहा है तलवार इतनी धारदार थी कि एक ही बार में? हाँ, तलवारें तो कई थी, एक ही बार में ऐसा वार किया कि सर से धड़ अलग हो गया। आंखों के सामने ऐसा मंजर देख, मतलब आज उस समय प्रशासन नहीं है, उसके बाद प्रशासन आता? प्रशासन तो बाद में आती है, घटना हो जाने के बाद में आती है। अब कैसे तलवार मारा हो? हम भी तो नहीं थे, अब कैसे बताएं आपको? और तो जब मरा है तब ना पहुंचे हैं, तब तक तो वो सब फरार हो चुके। तड़प रहा था जब आप आए तो? हाँ, तड़प रहा था लड़का जो मृतक? नहीं नहीं, तड़प भी नहीं रहा था, डेथ हो चुकी थी। अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांगे हैं? मांगे तो यही है कि उस इतना दहशत फैला चुका है कि भविष्य में यहाँ पर रहना मुश्किल है, उस पर दबाव डालिए कि हम लोग भी सुरक्षित रहें। प्रशासन कोई कार्रवाई कर सकता है? आश्वासन दिया गया घर गिरवाने का, तो क्या प्रशासन ने क्या क्या कहा है आपसे? आश्वासन क्या दिया? प्रशासन में तो आप ही लोग आ रहे हैं, प्रशासन हमारे पास कहाँ आ रहा है? DMSP साहब उस जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन आए थे। क्या आश्वासन दिए थे? कहे थे उस कार्रवाई कठोर से कठोरतम की जाएगी। उसके पिता को SP ने यही दौड़ा के पकड़ा भी था, लालता प्रसाद जो आरोपी के पिता थे। वो तो घर में गुस्सा था। इतने आरोपी के घर में कौन कौन है? लालता है, उसका जो बेटा मारा है वो है, दूसरा रमेश, राजेश बड़ा बेटा, वो तो भाई SI है, ड्यूटी पर है, राजेश यादव। और वो लालता, तीन भाई हैं, दूसरा भाई सफाई कर्मी है वो भी था, उसके दो बेटे हैं वो भी था, तीसरा भाई बाहर रहता है, उसके दो बेटे हैं वो भी यहीं पर रहते हैं, सब युवा हैं, सबने मिलकर साजिश पहले से रच रखी थी, हथियार वगैरह रख रखे थे और उसी के तहत ऐसी घटना घटी। जबकि इसका हम लोगों को कोई भान भी नहीं था कि ऐसे हो सकता है, नहीं तो हम लोग भी सतर्क रहते। लड़का कहीं और चला जाता? लड़का कहीं और चला जाता। और इस सरकार में हम लोग तो इतने सुरक्षित थे कि कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि सरकार चल रही है, लेकिन कहाँ से क्या हो गया कह भी नहीं सकते। कुछ आर्थिक मदद की? अब आर्थिक मदद लेकर हम सरकार से क्या करेंगे, हमारा तो सब कुछ उजड़ गया। सरकार कितने दिनों तक आर्थिक मदद देगी?
दे या न दे के तो हमारा सब कुछ चला गया, लेकिन आर्थिक मदद के बदले हमको सुरक्षा दे देती तो हम खुश रहते, भविष्य में ऐसा कांड ना हो जाता। आरोपियों के साथ क्या होना चाहिए? आरोपी तो अभी तो कह रहे हैं कि भई हम भी दो चार लोगों को और ले जाएंगे जब हमको जीवन भर जेल ही दे रहे हैं। हाँ, जब हम लोगों को जीवन भर जेल ही रहना पड़ेगा तो इन सबको बर्बाद करके जेल में रहेंगे, धमकी सुनने में आई है, फिर से धमकियां दी जा रही हैं। हाँ, जबकि प्रशासन मौन है। तो देख सकते हैं किस तरीके से ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की निशंस हत्या की गई, और परिवार के लोग जो इनके बड़े पिता हैं बातचीत कर रहे थे, उनका कहना है कि अभी भी जो है आरोपी की तरफ से धमकियां लगातार दी जा रही हैं।